वालेकुम, आप लोग को आवाज आ रही है? अच्छा, वालेकुम सलाम मैम जी, आ रही है। हाँ मैंने आप लोग की असाइनमेंट्स देखी, उसके अंदर एक क्वेश्चन था। वैसे तो ऑलमोस्ट सबने अच्छी की थी, लेकिन एक क्वेश्चन था कि बहुत जो स्लो, समझ नहीं आ रही। है। अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन ये था कि सल्फोनाइल यूरिया जो है वो क्यों स्विच ऑफ कर दिया जाता है जब प्रेगनेंसी होती है। इस तरह का एक सिनेरियो टाइप था। उसकी रीजन ये होती है कि स्टूडेंट्स जो जो लिखा है उन्होंने लिखा है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है, जो फीटस होता है, बेबी होता है। और दूसरा ये लिख दिया कि जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ही बात है, क्योंकि वो हाइपोग्लाइसीमिक जब हो जाता है ना, क्योंकि सल्फोनाइल यूरिया जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो जब क्रॉस कर जाती है तो वो क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया उसका फंक्शन होता है। तो वो मदर में तो करती है प्रेगनेंसी के वक्त, इंसुलिन के लेवल्स को कम करने के लिए फंक्शन है ना उसका, इंसुलिन के लेवल को कम करती है। यस मैम, इंसुलिन को ज्यादा करती है, ग्लूकोज को कम करती है, हाइपोग्लाइसीमिक है ना, तो यस ग्लूकोज को कम करती है वो। तो वो बेबी में भी यही करता है कि वो हाइपोग्लाइसीमिक कर देती है उसे। ये रीजन तो ठीक है, और इसी वजह से उसके अंदर एबनॉर्मल डिफॉर्मिटीज शुरू हो जाती है, एबनॉर्मली शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लेवल जो उतने जितने चाहिए होते हैं उससे कम वो होते हैं। दूसरा इसका रीजन ये था कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकली जो है रिक्वायरमेंट इंसुलिन की ज्यादा हो जाती है, और इंसुलिन की रिक्वायर्ड जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे इंसुलिन ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एनाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, प्रोटीन्स बन रही होती हैं, उन सब के लिए ना उसको एनर्जी चाहिए होती है। और अगर आपकी इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज, हमने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर ही रहता है, वो पेरिफेरल टिश्यूज में नहीं जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसका फिजियोलॉजिकली डिमांड फॉर इंसुलिन इंक्रीज कर जाती है, और इंजेक्टेबल इंसुलिन ही होती है जो उसको वो डिमांड उसकी फुलफिल कर सकती है। ठीक है, जो अब हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देंगे तो वो इतनी कैपेबल नहीं होंगी कि वो रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। दूसरा ये कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को अफेक्ट करेंगी, और तीसरा ये कि इंसुलिन जो है वो क्रॉस नहीं करती, जो इंजेक्टेबल इंसुलिन होती है वो क्रॉस नहीं कर सकती प्लेसेंटा, तो बेबी को कोई इफेक्ट नहीं होगा। जो यस प्रेग्नेंट होती है मदर, उसको इंस्टेंटली इंसुलिन चाहिए होती है, जरूरी होती है उसके लिए इंसुलिन, अगर वो डायबिटिक है तो, अगर उसके शुगर लेवल्स कंट्रोल नहीं है। तो ये इसकी रीजन थी। बहरहाल मैंने नंबर दे दिए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए, अगर ये क्वेश्चन रिपीट हो तो ये बात जहन में रखें कि इंसुलिन जो होती है वो प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, फिजियोलॉजिकली उसको ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। ठीक है, उसे ज्यादा इंसुलिन चाहिए होती है, और वो फुलफिल जो है वो सिर्फ इंजेक्टेबल इंसुलिन के थ्रू ही हो सकती है। और दूसरा ये कि इंसुलिन जो है प्लेसेंटा को पास नहीं करती, इसलिए बेबी को कोई एबनॉर्मेलिटीज नहीं कॉज करती, जिस तरह के लाइक ओरल जो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स हैं वो पास करती हैं प्लेसेंटा को, स्पेशली जो सल्फोनाइल यूरिया ये। ठीक है, अच्छा पिछला कुछ याद है कि हमने वायरस का पढ़ा था? अच्छा, जो आपका टेस्ट है, मैंने वो एक तो उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए मिड टर्म में, ताकि वो प्रिपेयर कर लें आप लोग अपने आप को फॉर द फाइनल एग्जाम। उस तरह होगा कि मैं अगर 50 मार्क्स का, उन्होंने कहा कि लिमिट है 40 या 50 मार्क्स का पेपर होना चाहिए, तो मैं ये करूँगी 30 MCQs रख लेंगे और 20 मार्क्स के SCQs शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स रख लेंगे। क्योंकि यस मुझे मैम, कि आप ये जो असाइनमेंट के अंदर इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है उसकी जरूरत नहीं, ज्यादातर आप कोशिश किया करें प्रिसाइजली लिखें, उनकी डायग्राम्स अगर बनी हुई है तो वो बना दी, और थोड़ा थोड़ा लेबोरेट करके एक आधा स्टेप, जिस तरह वो मैंने आयोडीन वाला आपको वो दिया था, आयोडीन अपटेक होता है, आयोडाइड अपटेक, और आयोडीन ऑक्सीड बन के ऑक्सीडाइज होता है, फिर वो जो DIT MIT वगैरह बनते हैं मॉलिक्यूल्स, तो यस उसके मैम, अगर आप डायग्राम बना दें तो मैं उस पर भी आपको 2 या 3 नंबर जो होंगे उसके अगर दे दूंगी। अगर वो ज्यादा है, उसके चार 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 स्टेप्स जो लाइन वाइज लिखे हुए थे वो 4 लिख दें आप साथ उसके, और डायग्राम बना दें तो काफी है। मैम क्लास कौन से रूम में हो रही है? क्लास हो रही है 4 में, 103 है शायद ये।
101 लिखा हुआ था लेकिन उन्होंने मुझे कहा 103 मिले हैं तो मैं वहां पर हूँ। ओके मैम, जिसने लेनी है वो आ जाए और जो वैक्सीनेट हो चुके हैं वो भी आ जाए करें, मेरी तरफ से कोई इश्यू नहीं है। सर ने कहा था जो एक डोज भी वैक्सीनेशन हुई है, मैंने पूछा था 2 दिन पहले सर से, कल पूछा था तो उन्होंने यही कहा कि अब क्योंकि शॉर्ट हो गई है वैक्सीन वैसे ही नहीं अब लगा रहे तो आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है वो SOPs कह रहे थे फॉलो करें और आ सकते हैं। मास्क वगैरह अपना पहन के थोड़ा डिस्टेंस रखकर। टेस्ट था, प्रोटेस्ट हो रहा है किस चीज पर? एग्जाम्स में हो रहा है क्या? ऑनलाइन हो? मिड टर्म की आपकी 20% लगाई जाएगी परसेंटेज, और उसके अंदर उन्होंने कहा कि या 40 या 50 मार्क्स लिमिट होनी चाहिए, क्या कम से कम इतनी हो। तो मैंने ये किया था कि जो दूसरा बैच था खैर था हमारा फार्मा का बहुत ज़्यादा है, तो मैंने ये कहा था कि जो हमने पिछला अगर क्विज में जो शामिल किया था वो ना करें और आगे वाले यहाँ तक एंटीवायरल तक कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं जी वायरस भी नहीं करें, लेकिन मेरे ख्याल में आप एक लेक्चर इसका भी इंक्लूड कर लें। बहरहाल अभी तक जो कन्फर्म है वो तो ये है कि आपका SCQs होंगे 20 मार्क्स के, 5-5 नंबर के या फिर मे बी 15 नंबर के, इस तरह वो मैं आपको लिख कर बता दूंगी, अपलोड कर दूंगी टॉपिक्स, और फिर पैटर्न भी एक आधे दिन में जब बना लूंगी पेपर तो बता दूंगी जो मुझे फिजिबल लगा। अच्छा, और उसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दोनों होंगे, ठीक है? छोटा सा ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, 50 मिनट्स या 40 मिनट्स का होगा, ठीक है? आप लोगों का मेरे ख्याल में सीधा 40-50 मिनट्स का ही होता है जो होता है। अच्छा, अगर आप लोगों ने MCQs ही शामिल करने हैं तो फिर आप वो कोर्स जो पीछे वाला है वो वहां से लेकर, क्योंकि मेरे पास फिर ऑप्शन ना होगी कि मैं कितने MCQs बना लूं, तो या तो आप पिछला शामिल कर लें फर्स्ट लेक्चर से लेकर। आपने 1-10 लेक्चर किए थे तो वही सही था, अब हमने वहां से तैयारी करना स्टार्ट कर दी थी, तो एकदम से आप 12 पर ना लेके जाएं, बस 1-10 ही ठीक थे और MCQs। यस मैम, 1-10 ही ठीक है। कितने कौन से ठीक है? 1-10 जो हमारे हो गए ठीक है। फिर इम्यूनो सप्रेसेंट्स कहाँ तक बन रहे हैं आपके? 10 तक ही बनता है। 10 तक बनता है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसेंट्स तक आएंगे। उसमें एक आधी चीज जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी वो मैं आपको एक लेक्चर में थोड़ा सा बता दूंगी, ठीक है? फर्स्ट है ना ये, अब आप उन लोगों को ई बैच वालों को भी फिर कर लें कि वो भी फिर यही मान लें कि 1-10 होंगे और MCQs होंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। का एक MCQ 2 नंबर का होगा तो मैं आपको 25 MCQs दे दूंगी, या फिर एक MCQ 1 नंबर का होगा, और अगर 25 MCQs होंगे तो 35 मिनट्स होंगे। उन्होंने कहा कि 10 मिनट्स 15? 15 पूरे। इतने मैंने तो कहा कि जितना पढ़ सकते हैं पढ़े, और रेफरेंस बुक वो कहते हैं मैं तो कैटिज्म देखता हूँ, तो आप लोग कह रहे हैं कि स्लाइड्स क्यों कह रहे हैं, तो मैंने फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी ऐसा कोई फेवर नहीं दिया, और आप भी ना देखे, आपने खुद भी स्लाइड्स पढ़ाई हैं, आपने देख लिया कि मटेरियल इतना ज्यादा है कि मतलब हमारे काम की कुछ कुछ चीजें, और बुक से हमारा पढ़ने का वैसा कोई रेफरेंस बनता नहीं है क्योंकि स्लाइड काफी है, हमें इतना ही चाहिए जितना कि आप पढ़ा रही हैं, आपने खुद भी नोट कर लिया, तो बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो आप स्टूडेंट्स को नहीं, अब हम स्लाइड से ही पढ़ेंगे।
अच्छा वो कहते कि आप स्टूडेंट्स को क्या करें कि लिपन कॉर्ड भी पढ़ा करें, ये बुक्स जितनी पढ़ेंगे क्योंकि वो मैं क्योंकि वो तीन ज्यादा पीएचडी में भी साल लगा चुके हैं, उससे पहले भी उन्होंने कुछ फार्मा पढ़ी हुई है, तो वो तो वैसे ही हमारा पूरा हलवा हो गया। असल में क्वेश्चन था दूसरे बैच का जो ए बैच है, उनको मैंने असाइनमेंट दी थी तो उन्होंने जो है ना वो गूगल सर्च आउट करके लिख दिया, जो ये अस्थमा होता है इसमें थियोफाइलिन और पता नहीं कौन सी दो ड्रग्स दी थी मैंने, एपिनेट्रिन और थियोफाइलिन, मैंने कहा था ये दोनों जो है इनका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है, सर की स्लाइड्स में था, लेकिन जो क्लिनिकली अब ना इनको यूज अलग अलग करते हैं क्योंकि इनके कॉन्ट्राइंडिकेशन बहुत है, तो उन्होंने जो है वो फिर मैं उनसे पूछना है कि आपने ये लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स जब मैंने सर्च किया है तो वो भी है, तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि हो सकता है मैंने किसी बुक से लाइन डाल दी हो, तो फिर वो पूछ रहे थे कि आप खुद क्या पढ़ रही हैं, मैंने कहा मैं तो लिपिन कॉर्ड ही पढ़ रही हूँ, आपकी स्लाइड पढ़ लेती हूँ या फिर कुछ मेरे पास यूएस में डी वगैरह वो पढ़ लेती हूँ या कोई इस तरह में, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो स्लाइड्स ही पढ़ानी होती हैं, तो कहते नहीं आप उन्हें कहें कि कैटजन लिपिन कॉर्ड, आप सिर्फ एक जनरल आइडिया दें उनको और उनको कभी ना कहें कि मतलब कोई इस तरह की स्लाइड्स पढ़ाते हैं, तो लोग यही है, लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ तो फिर मैं एक्सपेक्ट भी बहुत ज्यादा कर रहा होता हूँ। अच्छा मुझे थोड़ा सा लगा कि ये थोड़ी सी इजाती इस तरह हो जाएगी, ठीक है ठीक है आप लोग ऐसा करें 1 से 10 लेक्चर्स कर लें, बैच में लिख दें और दूसरे उनको भी बता दें, मैं अपलोड भी एलएमएस पर कर दूंगी, एमसीक्यूज रखते हैं, टीचर का अपना पढ़ाने का तरीका होता है, वो पढ़ाते होंगे तो ठीक है, हर टीचर अपना पढ़ाता है, अपना पेपर बनाता है, आपने जैसे हमें पढ़ाया आप पेपर बनाते हैं, हम बस उसको ही कर लेंगे। चलो ठीक है, वो असल में उनका मसला नॉलेज ज्यादा होगा। अच्छा वायरस हमने पढ़ा था, वायरस का जो है वो बताया था कि वो जो है वो मशीनरी यूज कर रहा होता है होस्ट की, ठीक है, इसलिए उसे इंट्रास है, वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, ठीक है, वो जो है उसकी मशीनरी यूज करके अपनी कॉपीज बनाता है, जो वायरस आरएनए वायरस होता है वो फिर दो तरह के वायरस थे, एक आरएनए और एक डीएनए, और वायरस फर्दर इनवेलप्ड और नॉन इनवेलप्ड होते हैं, जो आरएनए वायरस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए ऑब्वियसली डबल स्ट्रैंडेड वायरस है, लेकिन बाजों का जैसे कुछ वायरसेस होते हैं, और डीएनए वायरसेस जो होते हैं वो लेटेंट फेज में ज्यादा जाते हैं, ठीक है, वो छुपे रहते हैं, कई साल बाद उनका इफेक्ट होता है, और डीएनए वायरसेस जो होते हैं आरएनए वायरसेस, आरएनए वायरस जिसमें एचआईवी की एग्जाम्पल थी कि उसको हम रिट्रो वायरस कहते हैं, उसकी वजह ये होती है कि वो आरएनए से अपने आप को पहले डीएनए में कन्वर्ट करता है डबल स्ट्रैंड, और उसके बाद फिर वो कोशिश करता है कि मैं इंटीग्रेट कर जाऊँ होस्ट के अंदर चला जाऊँ, होस्ट के जो डीएनए उसके साथ जाकर वो मिल जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बताया हुआ है उसके पास 3 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, मुझे कोई ये बताएगा कि एचआईवी जो होता है एड्स, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एचआईवी का, कि किस तरह ट्रांसमिट होता है, शाबाश, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और तीसरा जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी, बेबी की जब डिलीवरी होती है तो फिर ऐसी मदर्स को फिर सिजेरियन करके उसको बेबी फॉरन डिलीवर किया जाता है, ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं इसकी जिसके थ्रू ये ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, बाकी ऐसे टॉयलेट सीट्स वगैरह से या किसी तरह की चीज से ये नहीं फैलता, ठीक है, और इसका सर वो जो बार बार यूज कर रहे होते हैं दूसरे की नीडल जो उससे बहुत ये फैलता है, कंटामिनेटेड सिरिंजेस से, और दूसरा ये रेजर वगैरह यूज करना, ब्लेड्स वगैरह यूज करने एक दूसरे के, ठीक है, जहां पर ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है, ऐसे पेशेंट के लिए फिर ये होता है कि उसका टॉवल, उसके सीजर, उसका जो कॉम्ब होता है, ब्रश वगैरह होता है, उसका अलग रखा जाता है, क्योंकि अगर कहीं पर भी वो प्रिक कर जाए थोड़ा सा, कोई दाना ऐसा बना हुआ है उसकी स्किन पर जो टूट जाए, तो वो उसका जो है या ब्लड से कॉन्टेक्ट हो जाए इन चीजों का, तो वो अगर कोई और यूज कर ले तो फिर उसके लिए मसला होता है, ठीक है। तो रेट्रोवायरसेस आर एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस दैट रेप्लिकेट थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उनके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है कि वो डीएनए में कन्वर्ट होते हैं,
This enzyme converts the RNA genome into DNA, which then integrates into the host chromosome. पहले reverse transcriptase से वो reverse हो गया, DNA बन गया, और उसके बाद वो host के DNA के अंदर चले गए. This large and diverse family include members that are oncogenic. इनकी ये cancer causing जितने भी HIV जो इस तरह retrovirus होते हैं, वो oncogenic होते हैं. और इसमें example HIV ही की दी जाती है. ऑन्कोजेनिक उनके साथ कोई ना कोई ट्यूमर, कोई ना कोई कैंसर एसोसिएट होता है. आर एसोसिएटेड विद अ वैरायटी ऑफ इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स एंड कॉज डीजनरेटिव एंड न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स. अच्छा, इसके अंदर ये बताया हुआ है, ये वायरस है, आरएनए स्ट्रैंड वायरस है, इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, यहाँ से पहले ये अंदर जाएगा होस्ट के अंदर. और ये सेल कौन सा है, ये सेल टी सेल है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स, क्योंकि CD4 इसका रिसेप्टर है. ठीक है, इसके साथ एक और कोफैक्टर होता है जो CCR5 होता है. CXCR5 वो आगे दिया हुआ है कि अब CXCR5 होता है या CCR5 होता है, यहाँ पे CCR5 दिया हुआ है. CXCR5 या CCR5 ये कोफैक्टर्स होते हैं. अगर कोई वायरस जो है वो रिसेप्टर होगा तो उसके साथ बाइंड होकर अंदर जाएगा, और अगर उसका को रिसेप्टर साथ होना जरूरी होता है, यानी CD4 और उसके साथ CCR5 या CXCR5 होना जरूरी है. अगर कोई ऐसी स्पीशी है, कोई ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कोफैक्टर नहीं होता, तो फिर उन्हें ये वायरस अटैक भी नहीं करता. ठीक है, ये पहले जाएगा, बाइंडिंग करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, और CCR5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, अगर आप गौर से देखें इस पे बाइंडिंग के साथ एरो बना हुआ है. ये जो एरो बना हुआ है ये इसलिए बना हुआ है कि जो कोफैक्टर है इसको भी कुछ ड्रग्स बाइंड कर देती हैं. अगर कोफैक्टर को बाइंड करेंगे तो वायरस जो है वो अटैक नहीं कर सकेगा, और जब ये अंदर चला जाएगा तो वही फ्यूजन होगी, अनकोटिंग होगी उसकी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू जो है वो DNA में कन्वर्ट होगा, और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन. ये जो है ये कीमोकाइन रिसेप्टर्स भी इसको कहते हैं, जो ये CCR5 है. इसी तरह मैक्रोफेजिस के ऊपर भी ये अटैक करते हैं, मैक्रोफेजिस के ऊपर भी कोफैक्टर होता है, उनको भी अफेक्ट करते हैं ये. अच्छा, फ्यूजन एंड अनकोटिंग होगी इसकी, फिर उसके बाद ये देखा अनकोटिंग हुई तो इसका ऊपर का कोट उतर जाएगा, ये वही DNA बना लेगा अपने आप को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की, और यहाँ पर जो एक्ट करेंगी ब्लॉक करती है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लगा हुआ है. न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर या नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये दो इसके जो ड्रग्स हैं. इनके बाद इनमें ये इंटीग्रेशन करेगा, जो आपका क्रोमोसोमल DNA होगा होस्ट का, उसके साथ जाकर अपना DNA बाइंड कर देगा, बीच में बाइंड होता है ये, दोनों साइड्स पर उसका लगता है, बीच में इंटीग्रेट कर जाता है. यहाँ पर भी कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो इसको इनहिबिट करती हैं. फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन होगी, RNA बनेगा, मैसेंजर RNA बनेगा, RNA बनेगा, ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन्स बना देंगे, और फिर वो प्रोटीन्स वापस बाहर निकलेंगी, और ये जो इसकी फंक्शनल होंगी और ऊपर का कोटिंग होगी इसकी जो मेम्ब्रेन से, ये सब होस्ट की मेम्ब्रेन से बना लेगा अपनी कोटिंग. ठीक है, और यहाँ पर कुछ जो RNA होगा वो इसी तरह रह जाएगा, और वो फिर दोबारा ये जो है कुछ तो प्रोटीन्स बन जाएगा, और कुछ ये RNA दोबारा जो है वो इसके न्यूक्लिक मटेरियल के तौर पर यूज होगा दोबारा. बहुत सारी कॉपीज बन जाएंगी, ये तो एक दिखाई हुई है, यहाँ एक और डायग्राम है, उसमें बहुत सारी बनेगी कॉपीज, और फिर वो बहुत सारे दूसरे उनको अफेक्ट करेंगी. ये देखिए, ये जब बाहर निकल रहा है तो ये कॉपीज बना रहा है, और ये जो बल्ज आउट हो रहा है जिस तरफ से बाहर निकल रहा है उसको बडिंग कहते हैं. ठीक है, इसके थ्रू ही निकल रहा है, और मुख्तलिफ प्रोटीएस इनहिबिटर्स जो पढ़ेंगे, और इनके एक एक एग्जाम्पल आप कर लें. ठीक है, एक एक दो दो एग्जाम्पल जो आसान है, और जो आगे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जिन ड्रग्स का आपको बताया हुआ उनका फार्माकोकाइनेटिक्स, उनकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स, वो याद कर लिया करें. ये देखे, ये फिर आगे बल्ज आउट हो जाएगा और दूसरे उनको अफेक्ट करेगा, दूसरे सेल्स को. इसमें एक ये वाली है और दूसरी इन्फ्लुएंजा की है, दो बस आपको दो ही वायरस बताए मैं इसमें. अच्छा, करंट क्लासेस ऑफ एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स इंक्लूड 3 मेन एंजाइम टारगेट्स. जो ड्रग्स है वो 3 उनके एंजाइम टारगेट्स हैं, जो इसके एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, प्रोटीएज और इंटीग्रेज. और 6 ड्रग्स क्लासेस हैं,
न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, ये दो अलग क्लासेस हैं। उसके अलावा प्रोटीएस इनहिबिटर्स, एंट्री इनहिबिटर्स या फ्यूजन इनहिबिटर्स भी इनको कहते हैं। ये फ्यूजन नहीं होने दे रही, यानी कि सेल मेम्ब्रेन का और वायरस का फ्यूज नहीं होने देती, यानी उसकी एंट्री नहीं होने दे रही। फिर CCR5 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, ये जाकर रिसेप्टर में बाइंड कर जाएंगे और वायरस को बाइंड नहीं होने देंगे, को फैक्टर जो को रिसेप्टर था उसके साथ CCR5 के साथ। उसके अलावा इंटीग्रेस इनहिबिटर्स हैं, ये इनकी आगे क्लासिफिकेशन है एक एक नाम। अब ये जैसे ये जो है CCR5, इसमें सिर्फ एक नाम है और यही आगे एक डिस्क्राइब हुआ हुआ है, मेरा वे रॉक, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है, इसमें एबाकैवी और जाइडोव्यूडीन, ये जाइडोव्यूडीन बहुत ज्यादा यूज होता है। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, इसके अंदर से एक याद कर लेनी है, ये जैसे नीवायरापीन जो है यूज होती है, पाइन या पीन कहने से। फ्यूजन इनहिबिटर्स ये एक ही दिए हुए, इसे आप एक एक दो दो एग्जाम्पल्स इनकी याद रख लें। अच्छा, जो एच आई वी होता है इसका मसला ये होता है कि जो वायरस होता है वो रेजिस्टेंस शो करता है, जब कोई ड्रग देंगे तो उस ड्रग का इफेक्ट कम होता है, उसके अगेंस्ट वो रेजिस्ट अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमको एक ड्रग नहीं यूज करनी होती, दो तीन ड्रग्स इकट्ठी यूज करते हैं, तीन या तीन से ज्यादा जब ड्रग्स यूज करते हैं तो उस थेरेपी को, ट्रीटमेंट थेरेपी को हम कहते हैं हार्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से, कि व्हाट इज हार्ट, या फिर उसमें आप हार्ट की ये बताओगे कि ये टेकिंग थ्री और मोर एंटी वायरल ड्रग्स एट द सेम टाइम वास्टली रिड्यूस द रेट एट विच रेजिस्टेंस डेवलप्स, द अप्रोच जो होगी ये उसको हार्ट कहते हैं, हाईली एक्टिव एंटी वायरल थेरेपी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इसकी एब्रीवेशन है। और फिर आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि उसमें जो है वो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आती है, देखो ऊपर लिखा हुआ है, ऑलवेज कंबाइंड मल्टीपल एजेंट्स, यूजली टू नॉन न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स अलॉन्ग विद, ये ड्रग्स दो हम यूजली चलती है वो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होती हैं, और उनको दो ड्रग्स के साथ एक दो और शामिल कर देते हैं, ठीक है। उसमें प्रोटीएस इनहिबिटर्स इनहेंस्ड विद अ लो डोज ऑफ अ सेकेंड प्रोटीएस इनहिबिटर्स, या फिर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स या इंटीग्रेस इनहिबिटर्स या एंट्री इनहिबिटर्स या फ्यूजन इनहिबिटर्स जिन्हें कहते हैं। तो इनके एक दो तीन चार ड्रग्स जब इकट्ठी देते हैं ताकि अगर एक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो दूसरी इफेक्ट कर जाए। लेकिन फिर ये क्या है, HIV ड्रग टॉक्सिसिटी, ये टॉक्सिसिटी कॉज कर देते हैं, ठीक है। ये इधर ये एक ड्रग करेगी और ड्रग क्लास स्पेसिफिक जो होगी वो HIV ड्रग हैव साइड इफेक्ट्स दैट आर इधर ड्रग और ड्रग क्लास स्पेसिफिक, ठीक है। बट डिस्टिंग्विशिंग देम फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ प्रोलॉन्ग इन्फेक्शंस आर चैलेंजिंग, इन ड्रग्स के लिए जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं इन पेशेंट्स को, जैसे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस मैंने बताया था, और ये लोग बहुत सेंसिटिव हो चुके होते हैं। इसी तरह जो कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होते हैं वो भी बहुत इन्फेक्शन जो होते हैं उनको बहुत जल्दी लग सकता है दूसरे लोगों से, तो इनको जरा एहतियात करनी पड़ती है। कीमोथेरेपी जब करते हैं उसके बाद भी पेशेंट को कहते हैं कि दो दिन तक इसके अलग बर्तन रखे जाए, ताकि हमारा कोई जो हेल्दी लोग हैं उनका इनसे कोई इन्फेक्शन इनको ना लग जाए। HIV ड्रग रेजिस्टेंस, HIV म्यूटेट्स रेडिली, ये म्यूटेशंस बहुत शो करता है, एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। इफ वायरस रेप्लिकेट्स इन प्रेजेंस ऑफ ड्रग म्यूटेशन दैट अलाउ फास्टर रेप्लिकेशन, ड्रग रेजिस्टेंस विल बी सिलेक्टेड, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग रेजिस्टेंट म्यूटेशन विल अलाउ हायर लेवल्स ऑफ वेरेमिया and progression of immunologic diseases unless drugs change and replication again controlled. अगर एक ड्रग के अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस हो चुका है तो वो अपनी म्यूटेशन की वजह से, क्योंकि वो म्यूटेट करता है जल्दी जल्दी, अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो वायरस हमेशा कोई भी वायरल इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट ही बहुत बड़ा मसला होता है। या वैक्सीन लगा तो लेंगे लेकिन कुछ साल बाद आपको वैक्सीन जो है इनफेक्टिव हो जाएगी, मतलब साल बाद, छः महीने बाद, फिर आप देखेंगे आप फिर आपको दोबारा वैक्सीन लगवानी पड़ जाएगी।
जब सीजनल चेंजेस आती हैं, जब वो वायरस आपके ऊपर अटैक करेगा, इसी तरह बहुत सारे इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये सारे वो वायरस हैं, फ्लू वगैरह एक दफा करेंगे, इनकी वैक्सीन बनी हुई है, लेकिन फिर कुछ साल बाद आपको एक साल बाद वो रिपीट करना पड़ता है। अच्छा, और इसमें क्या है, ड्रग अगर रेजिस्टेंस हो चुकी है तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर वायरीमिया वायरस जो है वो फैलेगा, तो फिर हमें क्या होता है कि इम्यूनोलॉजिकल डिजीजेज हो सकती हैं, तो मेरे जो और वो अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन होगी वायरस की, इसलिए हमें कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्रग्स चेंज करनी पड़ेगी। ड्रग रेजिस्टेंस कैन बी ट्रांसमिटेड, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पहली जो बताई थी कि वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम ही शो कर रहा है उस पर अफेक्ट कर रही है। दे वर द फर्स्ट टाइप ऑफ द ड्रग अवेलेबल टू ट्रीट एचआईवी इंफेक्शन। न्यूक्लियोसाइट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ एन एचआईवी प्रोटीन कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज व्हिच द वायरस नीड्स टू मेक न्यू कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। जब वो आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर रहा है तब ये अफेक्ट कर रहा है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चेंज वायरल आरएनए टू डीएनए, मोस्ट रेजिमेंट्स कंटेन एट लीस्ट टू ऑफ दीज ड्रग्स। दो ड्रग्स हमें इस ग्रुप में से लेनी है। अच्छा, एक्ट बाय कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन ऑफ एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनकॉर्पोरेट इनटू द ग्रोइंग वायरल डीएनए चेन। जो उसकी चेन बन रही होती है आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट करने के जो स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर आकर लगती है और चेन टर्मिनेशन कर देती है ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ बाइंडिंग विद द इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड। ये देख लिया आगे जो है, ये न्यूक्लियोटाइड सिंगल स्टैंड था, डबल स्टैंड हो रहा है ताकि डीएनए बन जाए वायरस का, इसके साथ ड्रग आकर लग गए तो उसे डबल स्टैंड बनने नहीं दे रही, उसके डीएनए में इनकॉर्पोरेट करती है कोई बात। ठीक है, रिक्वायर इंट्रा साइटोप्लाज्मिक एक्टिवेशन वाया फॉस्फोरिलेशन वाया सेलुलर एंजाइम्स टू द ट्राइफॉस्फेट फॉर्म। जब ड्रग जो दी जाती है वो क्या करती है, पहले मोनोफॉस्फेट से डाई और डाई से ट्राई बन के उसके बाद एक्टिवेट हो जाती है। तो यही बात इसके अंदर ये बताई गई कि इसको जो है वो इंजाइम्स चाहिए होते हैं, सेल के अंदर के इंजाइम्स, जो होस्ट काइनेस इंजाइम था। ये एडवर्स इफेक्ट हर किसी के अलग अलग बताए रहे हैं। ठीक है, ज़ाइडोब्यूटेन, असल में फार्माकोलॉजी जो होती है ना वो नाम ही ड्रग्स है, रिलेटेड टू ड्रग्स की स्टडी है, तो फिर इसलिए जरा उसमें एफर्ट ये करनी पड़ती है, नाम याद करने पड़ते हैं, रट्टे लगाने पड़ते हैं। अच्छा, ज़ाइडोब्यूटेन नोजिया वॉमिटिंग फिटीग बोन मैरो सप्रेशन, उसके अलावा एबाकेवी, ये अब आपको पता होना चाहिए कौन सा किस ग्रुप से था, जैसे न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ग्रुप से है, कौन सा किस ग्रुप से है, जब तक आप दो चार एग्जाम दफा उसको पढ़ेंगे अच्छी तरह उसको जहन में रखेंगे तभी ये होगा। एबाकेवी इन सब का ऑलमोस्ट जी आई टी वो है, नोजिया वॉमिटिंग डायरिया पेरी ऑर्बिटल पैरास्थीजिया और हाइपर सेंसिटिविटी, उसके अलावा ये जो अगली ड्रग्स हैं डाइड एनोसिन जो है डीड एनोसिन, ये ड्रग्स भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देंगी, पैंक्रियासाइटिस कर देंगी, टेनोफोबी, ये जनरली वेल टॉलरेटेड है, नोजिया वॉमिटिंग सब पे जो है नोजिया वॉमिटिंग जी आई टी डिस्टर्बेंस, पेरी ओरल ओरल कैविटी के इर्द गिर्द जो है वो टिक सेंसेशन होंगी, सुइयां सी चुभेंगी, पैरास्थीसिया पेरी ऑर्बिटल ये जो माउथ के इर्द गिर्द का एरिया होता है ओरल कैविटी कहते हैं ना इसे। All nucleoside reverse transcriptase inhibitors may be associated with the mitochondrial toxicity, lactic acidosis with fatty liver कर देगा। Fatty liver जिन लोगों को होता है उसका आपने देखा होगा कि वो बाकी organ में push करता है। Fatty liver ये जो diet वो खाते हैं burger वगैरह चीजें fast food, which can be fatal। Zidobutadine enters tavobutadine dyslipidemia। डिसलिपिडीमिया आता है, लिपिड प्रोफाइल खराब हो जाती है, एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होंगे, कोलेस्ट्रॉल उनमें ज्यादा हो जाता है, एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, यही अफेक्ट अगली ड्रग के भी हैं नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स के, दोनों के सेम है, जी आई टी डिस्टर्बेंसिस करेगी, लिपिड प्रोफाइल जो है उसको खराब कर देगी, एलडीएल लेवल्स जो है और कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा कर देगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन रेजिस्ट इंसुलिन बनी होगी तो यूज नहीं हो रही होगी। इंक्रीज रिस्क ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन डायग्नोस जी, कोई क्वेश्चन है? डाइडेनोसिन, ठीक है, ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं।
आप अपनी तरफ का फैन चला लें क्योंकि यहाँ वो बास में जा रही थी इसलिए। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स ऑलमोस्ट वही चीज है, सिर्फ इसके अंदर क्या है कि इसको फॉस्फोरिलेशन करके ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होती है, ये डायरेक्टली एक्ट करेगी। बाइंड डायरेक्टली टू एचआईवी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रिवेंट्स वायरल आरएनए फ्रॉम कन्वर्जन, वही इसका भी वही सेम फंक्शन है कि आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट नहीं होने दे रही। दैट इन्फेक्ट्स हेल्दी सेल्स बाय कॉजिंग कन्फर्मेशन चेंजेस इन द एंजाइम। द बाइंडिंग साइट ऑफ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज नियर टू बट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, अच्छा इन दोनों ड्रग्स का साइट जो है वो मुख्तलिफ है, जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसकी बाइंडिंग साइट और है और इसकी उसके करीब ही है लेकिन इसकी डिफरेंट है। डू नॉट रिक्वायर फॉस्फोरिलेशन टू बी एक्टिव। ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप क्विकली इफ नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर एडमिनिस्टर्ड मोनोथेरेपी, एक ड्रग देंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। एंड देयरफॉर नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आर ऑलवेज गिवन एज अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द थेरेपी। हाँ, हार्ट की फॉर्म में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हार्ट और डिस्क्राइब अ हार्ट, हाउ व्हाई मतलब हार्ट स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो आपको पता होना चाहिए और आप ही इसमें से पूछा जा सकता है। साइकिल इसका आ सकता है कि जी साइकिल ड्रॉ कर दें, लेकिन ज्यादातर साइकिल ड्रॉ करेंगे तो फिर आपने हर स्टेप पर ड्रग दिखानी होगी कौन सी ड्रग है। फॉर एग्जाम्पल अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपने ड्रग दिखाएंगे, उसका साइकिल ड्रॉ कर देंगे और एक एक एग्जाम्पल लिखते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो ये वायरस कैसे अटैक कर रहा है, हाँ इसके अंदर ये वो ड्रग्स लिखी हुई ना, हाँ बस ये सिंपल सा है कि बस वो अनकोटिंग दिखा दें कि ये स्टेप में 1 2 3 4 5 स्टेप करके लिख दें कहाँ उसकी एंट्री हो रही है वहाँ कौन सी। हाँ अगर फॉर एग्जांपल ये 3 नंबर का 4 नंबर का 5 नंबर का भी आ गया तो ये 7 इनकी एग्जाम्पल थे, 2 2 1 1 जो आप याद करेंगे जो आगे डिस्क्रिप्शन में दोगे वो बंदा पूछ लेता है, ठीक है। ज्यादातर जो फार्माकोलॉजिकल में भी वो आपको जो बता रही थी कि जो स्टूडेंट्स ने लिखा भी, मैं ये एक असाइनमेंट यहाँ पर पता नहीं किसने दी थी, बाहर जो मैं देखी थी ना वो ये था कि स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि उसको फीटस को जो है उसकी डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो जाएंगी जब उसके वो पास कर देगा हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स। तो बात तो ठीक है लेकिन आपको बताना होगा फार्माकोलॉजिकली कि इंसुलिन जो है वो जब अंदर जो मैंने आपको रीजंस बताई, एक तो फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है प्रेग्नेंट वुमेन की, उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और वो इंजेक्टेबल इंसुलिन प्रोवाइड करेगा, इंस्टेंट इंसुलिन, उसको फौरन इंसुलिन चाहिए होती है। और दूसरी वजह यही होती है कि इंसुलिन जो है प्लेसेंटा पास नहीं करता तो वो एबनॉर्मेलिटीज नहीं बच्चे में कॉज करता, लेकिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स क्योंकि पास कर जाती है ये सल्फोनाइल यूरिया जो है तो फिर ये कॉज कर देते हैं। अब अगर किसी को याद हो तो कौन सी ड्रग थी जो डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है और बहुत कॉमन ड्रग है वो वेट लॉस करती है, ग्लूकोफेज। हाँ ग्लूकोफेज, ठीक है। इस तरह के एमसीक्यूज आप याद करा करें कि जो बहुत यूनिक सी चीज है, ग्लूकोफेज बहुत ज्यादा कॉमन है और मैंने आपको बताया था ये जो जिम वाले होते हैं ये बहुत रिकमेंड करते हैं इसको ग्लूकोफेज को, इससे वेट लॉस होता है। ये सारा हो गया, ये वही बताया हुआ है न्यूक्लियोटाइड एक सिंगल था, जब वो डबल स्ट्रैंड बन के डीएनए बन रहा था ये जाकर उस पर इनकॉर्पोरेट कर गया, हो गया। नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एडवर्स इफेक्ट सेम है जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थे, जीआईटी इनटॉलरेंस, स्किन रैश, एलएफटी, क्या होता है लिवर फंक्शन टेस्ट। जब फैटी लिवर हो जाएगा ना तो फिर सारे एंजाइम्स बढ़ जाते हैं लिवर जो प्रोड्यूस कर रहा होता है एंजाइम्स, तो लिवर फंक्शन टेस्ट उनके एलिवेट कर जाएंगे, जाहिर इनसे फैटी लिवर लिखा है तो ये भी बढ़ जाएंगे। CNS के ऊपर इफेक्ट होगा, सिडेशन, इंसोमिया, डिजीनेस, कंफ्यूजन, CNS में जितनी ड्रग होंगी उन सबके इफेक्ट हैं, GIT के हर ड्रग जो होंगी उसके GIT के इफेक्ट होंगे। फिर प्रोटीएस इनहिबिटर जो है
वो ये कि प्रोटीन की प्रोटीन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। हेलो जी, उनको कहें लॉक लगा लें, बैठे रहो जी। प्रोटीएस इनहिबिटर्स प्रिवेंट द प्रोसेसिंग ऑफ द वायरल प्रोटीन्स इनटू फंक्शनल कन्फर्मेशंस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर नॉन इन्फेक्शियस वायरल पार्टिकल्स नॉट नीड इंट्रासेलुलर एक्टिवेशन। ये जो है ये क्या करेगा, पोजेसिस वायरल प्रोटीन्स जो होंगी उनके उनको फंक्शनल नहीं होने देता, ठीक है, उनकी कन्फर्मेशन चेंजेस नहीं होने देगा, उनको नॉन फंक्शन कोशिश करेगा कि ये इमैच्योर रहे, नॉन इन्फेक्शियस रहे और इन्फेक्शन काज ना करें। ये एग्जांपल्स दी गई हैं सारी, ये देखें ये तीन स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, ये याद करें कंटेन सल्फोन अमाइड, ये आगे ड्रग्स जो है ये सल्फोन अमाइड कंटेनिंग ड्रग्स हैं, इसमें डेरिमिनेविज फोसम। ये वाकई में जरा मुश्किल होती है पढ़ने, और जितनी दफा आप इनको ऐसा मैं ड्रग्स तो नहीं देंगी जो राइटोनाविर टिप्रानाविर ऐसा कोई अब ये ड्रग्स जो है आपके पैसे जो थे उनके उन्होंने की उनसे गाइडलाइन ले लें जब सीनियर्स हैं आपके। अच्छा अब इसमें जो है इसमें एमसीक्यूज ये अब ये देखे मैं वो आयोडीन वो अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये नाम के चीज़ से आपको याद होता है, याद हो ये जो असल में साइकिल होते हैं ना, ये वैसे कोई देता नहीं है, इसलिए अगर आप देंगे तो फिर सारे ड्रग्स जरूर देंगे क्योंकि फार्माकोलॉजी जो है ड्रग्स की, ठीक है। इसमें एक फिर वो चार्ट जैसे हर ना हर सब्जेक्ट में अपना एक वो होता है, अगर आप इम्यूनोलॉजी के एस्पेक्ट से बात करेंगे तो वो ये आपको दे देंगे कि जी वो जो चार्ज जिसमें टी सेल्स वो एक कर्व सी होती है, ऊपर जा रहा है वायरल लोड और नीचे आ रहा है टी सेल काउंट, ठीक है, वो एक खास इसका होता है ग्राफ, वो दे सकती है। लेकिन आपकी क्योंकि फार्माकोलॉजी तो ड्रग्स याद रखनी है। चलिए अब ये ड्रग्स इस तरह की कि इसमें दो है क्योंकि मैं ख्याल तो रखती हूँ कि भाई इस तरह के ना हो या इस तरह के बहुत ज्यादा वो ना हो कि ड्रग्स जाए, ड्रग्स हर बंदा क्लासिफिकेशन हर तरह की क्लासिफिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन, अब आगे जो आपने बल्कि वो जो पढ़नी है अगली ड्रग्स वो तो इससे भी ज्यादा वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आखिरी रह गए हैं। मैंने सोचा था कि अब तक सेंडअप्स गुजर जाएंगे तो एट द एंड जो टाइम बचेगा उसमें वो ड्रग्स करेंगे जो इम्पोर्टेंट होंगी, क्योंकि सेंडअप्स के वक्त बंदा ध्यान नहीं दे रहा होता, वो अपने उसमें होता है। अच्छा प्रोटीएस इनहिबिटर क्लास साइड इफेक्ट इनके क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, ऑलमोस्ट वही लिपिड एबनॉर्मेलिटीज, फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन। हाँ फैट्स ये कि वो ना जो सेंट्रली ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाएगा जैसे स्टीरॉइड्स वगैरह में होता है, ठीक है, एब्डोमिन बेली वगैरह पर ज्यादा हो जाएगा, नेक में ज्यादा हो जाएगा और पेरिफेरली जो आपके आर्म्स लेग्स उनमें कम हो जाएगा, एक साइड पे कम ज्यादा कॉम्बिनेशन हो जाएगी, बोन डिसऑर्डर, जी आई टी इंटॉलरेंस, जी आई टी डिस्टर्बेंसेज वो सारी हो जाएगी। एंट्री इनहिबिटर्स इसमें एक एग्जाम्पल है अटैच होती है, जैसे ये ग्लाइको प्रोटीन लिखा है, जैसे GP120 प्रोटीन होती है, GP120, GP47, GP120 जो होती है वो पहले जाकर वो बाइंड करती है, तो ये ड्रग्स जो है ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन्स को प्रिवेंट कर रही हैं,
ठीक है, उनको जाकर वहां पर न्यूट्रलाइज करिए ताकि वो बाइंड ही ना हो सके सेल मेम्ब्रेन के साथ, एंट्री ना हो सके इसमें एग्जांपल। और फिर क्या होती है, जब वो बाइंड टच करती है, बाइंड करती है सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर को, तो एक पूरा उसके अंदर एक चेंज आता है। तो ये क्या है, वो कन्फर्मेशनल चेंज जो चाहिए होती है फ्यूजन के लिए, उसको इनहिबिट कर रही है। ठीक है, एनफ्यूवेराइडीन जो इसकी एग्जांपल है, एनफ्यूवेराइड बाय सबक्यूटेनियस इंजेक्शन इसको इंजेक्ट करेंगे। टॉक्सिसिटी इंजेक्शन साइट रिएक्शन हो सकता है, नोजिया, डायरिया, हाइपरसेंसिटिविटी। ठीक है, ये इसके साइड इफेक्ट्स हैं। जैसे कीमोथेरेपी होती है बहुत, उसके बाद इफेक्ट शुरू हो जाते हैं पेशेंट को, क्योंकि बॉडी टॉलरेट नहीं करती। तो ये भी ऐसी ड्रग्स हैं जिनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। CCR5 receptors, antagonist, ये को रिसेप्टर आगे जो होना जरूरी होता है। दे आर इनहिबिटर्स ऑफ द ह्यूमन CCR5 रिसेप्टर ह्यूमन के ऊपर, ह्यूमन के सेल के ऊपर होंगे, उनके साथ बाइंड करेगी। पहले तो वो वायरस के GP के साथ बाइंड कर रही थी, ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ, अब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रही है, CCR5 receptors, antagonist। तो याद रखना है कि ये रिसेप्टर होस्ट के ऊपर होता है, जो सेल होते हैं। अ रिसेप्टर दैट इज फाउंड ऑन सेवरल होस्ट डिफेंस सेल्स, टी सेल्स एंड किलर सेल्स। किलर सेल्स, NK सेल्स या नेचुरल किलर सेल्स भी इनको कहते हैं। ये वो सेल्स होते हैं जो टी सेल्स के साथ मिलकर सबसे फर्स्ट आते हैं और वायरस को किल करते हैं। द एक्ट ऑफ द CCR5 एंटागोनिस्ट binding to the CCR5 receptor is thought to alter the conformational state of the CCR5 receptor. Receptor के साथ जो है वो drug खुद आकर bind कर रही है। इसमें example जो है Maraviroc की example है। Adverse effects, abdominal pain, upper respiratory tract infection, cough, hepatotoxicity और rash और musculoskeletal symptoms। फिर है इंटीग्रेस इनहिबिटर, यानी कि ये क्या करेगा कि जहां पर DNA बन चुका है, अब उस DNA को जो है वायरल DNA को, हाँ वायरल DNA को होस्ट के DNA में नहीं आने देगा। ये वाली देखिए स्लाइड, इसमें ये RNA से DNA बना था, ठीक है, ये DNA इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो गए, ये जो क्रोमोसोमल DNA है जो होस्ट का है, और फिर ये यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड दोबारा होगा, कुछ इसने प्रोटीन्स बना ली, प्रोटीन फिर यहाँ पर जाकर ये फिर असेंबल होना शुरू हो गया। इसमें बाइंड इंटीग्रेस अ वायरल एंजाइम एसेंशियल टू द रेप्लिकेशन ऑफ HIV, इनहिबिट स्ट्रैंड ट्रांसफर, द फाइनल स्टेप ऑफ द प्रो वायरस इंटीग्रेशन। जब DNA बन जाए, जो RNA से DNA में कन्वर्ट हो, उसको वो वायरस प्रो वायरस कहलाएगा, दस इंटरफेयरिंग विद द इंटीग्रेशन ऑफ द रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड HIV DNA इनटू द क्रोमोसोम्स ऑफ होस्ट सेल्स। ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन अंदर नहीं जाने देगा उसको। इसमें रेल्टीग्रेविर इसकी एग्जांपल है, और ये क्या करेगा, नोजिया, हेडेक और डायरिया कर देगा, वही GIT डिस्टर्बेंसेस कर देगा। यहाँ तक HIV ड्रग्स आपकी खत्म होगी। इस पे कोई क्वेश्चन, कोई चीज पूछनी है? आपका नाम क्या, आप अपना एक पेज पे, आप अपना वो रोल नंबर टाइप या कुछ लिख कर दे दो, क्योंकि मैम लेक्चर फिनिश हो गया, मैं लीव कर सकता हूँ? ओके मैम। नहीं आपने, नहीं आपने रहना ही है यहाँ। वो कह रहे थे, मुझे सर ने कहा कि जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो चक्कर लगा के 10-15 मिनट का फिर चले जाते हैं, तो ये अटेंडेंस जो है ना कम अज कम आधे घंटे की तो हो, क्यों उन्होंने सुना है कुछ लेक्चर। अच्छा, एंटी इन्फ्लुएंजा एजेंट्स। एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस होता है जो एक कॉमन कोल्ड कर देता है, फ्लू कर देता है, फीवर, हेडेक, मसल एक, ये सारी फिटीग, ये सब ये करता है। ठीक है, और फिर जब हमारा इम्यून सिस्टम अगर कोप कर सकता है तो वैसे ही खत्म हो जाता है कुछ देर में, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, ये जो कॉमन कोल्ड हो जाता है। ये इन्फ्लुएंजा वायरस की एक आपने सुना था कुछ अरसा 1990 वर्ल्ड वार 2 के बाद, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल
शायद वो बन चुकी थी एनवायरमेंटल चेंजेस आई थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद, उसके बाद स्पेनिश फ्लू हुआ था और उसने 50 से 100 मिलियन लोगों को अफेक्ट किया था और विद इन फ्यू डेज एक हेल्दी बंदे की डेथ हो जाती थी। अगर आप कभी स्पेनिश फ्लू लिखकर उनके देखें तो उनके मास्क हमारी तरह के नहीं थे, मास्क उनके यूं चोंच की तरह के मास्क थे जो नोज और बिल्कुल अफेक्ट यही थे जो कोरोना वायरस के हैं और डेथ हो जाती थी फौरन। तो वो वायरस जो इन्फ्लुएंजा वायरस था उसका भी यही था कि जिस तरह यहाँ एक्सपो सेंटर में आइसोलेशन के लिए वार्ड बन गए थे वहां भी आइसोलेट करके रखा गया था और ये तकरीबन 4 साल ये बीमारी रही थी, उसके बाद ये खुद ही खत्म हो गई थी। और जो वो कहते हैं ब्लैक डेथ जो वो प्लेग था उसके बाद सबसे ज्यादा तबाही इसने मचाई थी स्पेनिश फ्लू में। तो ये जो थी ये बहुत तबाह कुन बीमारी थी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कोरोना फिर थोड़ा बेहतर हो रहा है, खत्म हो रहा है, लेकिन वो जो था उसने खुद ये कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस ऐसे आते हैं कि कुछ सालों बाद ऐसे कोई ना कोई वायरल आ जाता है, पेंडेमिक आ जाता है। अच्छा, इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रेन्स आर क्लासिफाइड बाय देयर कोर प्रोटीन्स। अब हमने इसकी कैटेगरी कर ली ए बी और सी। ये ए जो होगा ये पेंडेमिक होगा। अगर आप लोग को याद हो तब तो आपको बचपन होगा कुछ साल पहले 2004-03 में बर्ड फ्लू आया था, जो मुर्गियां थी उनमें था वो बहुत ज्यादा। हाँ, तो बर्ड फ्लू था तो वो बर्ड फ्लू भी इसी की आगे हमने डिफरेंट कैटेगरीज कर ली है इसकी। एवियन कहेंगे उसको जो बर्ड्स वगैरह में होगा, स्वाइन फ्लू वो होगा जो कि पिग वगैरह से आएगा, ठीक है वायरस। तो ये हम आगे इसकी कैटेगराइज करके इसको पढ़ रहे हैं। जियोग्राफिक साइट ऑफ आइसोलेशन के वायरस किस जगह से आया है, इसी तरह 2003 के अंदर और 1997 में इस तरह वहां पर हांगकांग में एक वायरस आ गया था जिसको फिर वो वायरस जो था वो खुद ऐसा ऐसा खत्म हो गया था, एंडेमिक ही था वो, यानी कि वो उसी इलाके में रहा था, स्वाइन फ्लू था अगर आपको याद हो 2003 में स्वाइन फ्लू था। तो फिर वो खुद ब खुद एक दिन खत्म हो गया था। असल में होता है कि जब वायरस आता है तो अपने अंदर चेंजेस करता है कुछ अरसे बाद फिर नया स्ट्रेन आ जाता है। ये हम क्यों कहते हैं कि इम्यूनाइज हो लोग, ज्यादा से ज्यादा इम्यूनाइज हो, क्योंकि जब ये वायरस आता है तो ये साइकिल के अंदर सबको इफेक्ट करता है, हर बंदे को इफेक्ट करके ये चाहता है। तो फिर अगर जितने लोग इम्यूनाइज हो जाएंगे तो उनमें एक हर्ड इम्यूनिटी लव्स होता है वो आ जाती है। हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि अगर मैं इम्यूनाइज होगी, हमारी सोसाइटी में मैक्सिमम लोग इम्यूनाइज हो गए तो जो एक विशियस साइकिल था वायरस का वो ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक आ जाए ना उसके अंदर तो वो वायरस ऐसा ऐसा खत्म हो जाता है खुद ही। तो इसलिए जो है अब जैसे वैक्सीनेशन जो है सब नहीं कर देंगे, सारी पूरा पाकिस्तान नहीं लगाएगा, लेकिन जब मैक्सिमम लोग लगा लेंगे तो ऐसा ऐसा वो फिर अफेक्ट करना बंद कर देगा, उसके साइकिल में ब्रेक आनी शुरू हो जाएगी। इन्फ्लुएंजा ए इज द ओनली स्ट्रेन दैट कॉजेस पेंडेमिक्स, इज क्लासिफाइड इनटू 16H। अब ये 18 है, वैसे मैंने ये अब 16 लिखा हुआ है लेकिन ये अब 18 मैंने सर्च किया था तो 18 स्ट्रेन इसके हैं और लिविंगसन की जो नई बुक है उसमें भी 18 लिखे हैं। एंड 9N न्यूरोअमाइनिडेज नोन सब टाइप्स। अब हम जो कैटेगराइज करेंगे ये इसके प्रोटीन्स में आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर भी, जो पहली स्लाइड थी ये समय जो पहली स्लाइड है इसको मैं आगे ले जाऊंगी। ये स्लाइड जो थी ना ये एंटी रेट्रोवायरल एजेंट्स लिखा हुआ है, जबकि ये जो स्लाइड लगाई हुई है ये उसकी इन्फ्लुएंजा वायरस की है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर देख लें, इसके अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होती है, आरएनए वायरस है ये, लिपिड इसका इन्वेलप है, बाहर से इन्वेलप वायरस है और अंदर इसके एक कैप्सिड है। और ये जो इसका न्यूरोअमाइनिडेज ये इसके अंदर ये देखिए नीडल की तरह की ये ब्लू ब्लू से न्यूरोअमाइनिडेज है और हीम एग्लूटिनिन जो है वो रेड रेड से। ये जो न्यूरोअमाइनिडेज होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं बाहर निकलने में, जब कॉपीज बन जाती है वायरस की तो वायरस के अंदर होता है तो वायरस को बाहर निकलने में उसकी बडिंग में हेल्प करता है। तो अब हमारा जो ड्रग्स हैं वो एक न्यूरोअमाइनिडेज को अफेक्ट करेंगी और दूसरा वो हीम एग्लूटिनिन वगैरह इनको अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा मैं एक और दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैट्रिक्स प्रोटीन्स है जो कि एक ब्रिज है बीच में आपके जो एनवेलप और न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं उनके बीच में होता है ये प्रोटो। इसमें M2 और M1 दो मैट्रिक्स प्रोटीन्स होती हैं। ये जो M1 है ये इसके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं, इसको मेंटेन करके इस वायरस को रखता है।
और M2 जो है वो एक आयन चैनल बनाएगा, ये आयन चैनल जो होगा ये हेल्प आउट करेगा इस वायरस की अटैचमेंट को मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, कनेक्शन की तरह का, और ये मेन ना ये भी वही काम करेगा कि वायरस को सर्वाइवल में हेल्प करता है। फिर उसके बाद हीम एग्लूटिनिन इसके एंटीजन है। इस वायरस का मसला ये है कि एंटीजेनिक शिफ्ट जो होता है या एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यानी अपने स्ट्रक्चर बार बार चेंज करता है। ड्रिफ्ट कहते हैं अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करे, और एंटीजेनिक म्यूटेशन कहते हैं अगर पूरा अंदर से अपने न्यूक्लियोटाइड्स को ज्यादा शिफ्टिंग कर ले, ज्यादा आरएनए अपना शिफ्ट कर ले, जीनोम अपना शिफ्ट कर ले, यानी अपना स्ट्रक्चर बेसिकली शिफ्ट कर रहा है, तो इसलिए इसको म्यूटेशन कहा गया है, एंटीजेनिक म्यूटेशन ड्रग्स होता है ये। अब वायरसेस आर ऑफ H5 एंड H7 सब टाइप्स। अब ये देखिए ये फर्दर क्लासिफिकेशन की H1, H2, H3, H4, H5, ये H18 तक है, ये H जो है हीम एग्लूटिनिन और न्यूरोमाइनिडेज, ठीक है, ये H5N1, H7N7 एंड H7N3। इसमें ये जो H5N1 है ये ज्यादा कॉमन होता है, रेडली म्यूटेट विद इन द पोल्ट्री जो बर्ड फ्लू वगैरह हुआ था वो इनकी वजह से हुआ था। Have recently expanded their host range to cause both avian and human diseases. अब ये humans के अंदर आना शुरू हो गए, ये इन्होंने कुछ तो अपनी वहीं तक रहते हैं, यानी बर्ड फ्लू जो था वो उन्होंने पोल्ट्री चिकन को ही अफेक्ट किया, ठीक है, उन्होंने जो है वो ह्यूमन ने अगर खा भी लिया तो उसके अंदर नहीं गया, लेकिन इसकी ज्यादा क्योंकि म्यूटेशन शो करता है तो कभी भी ये कुछ भी अपने बैरियर्स क्रॉस करके ह्यूमन बींग्स को भी अफेक्ट कर सकता है। H5N1 वायरस फर्स्ट कास्ट ह्यूमन इन्फेक्शन इंक्लूडिंग सीवियर डिजीज एंड डेथ इन 1997 ये H5N1 ने किया था, एंड हैज बिकम एंडेमिक, ये हांगकांग वगैरह उस साइड पर मेरे ख्याल में एंडेमिक था, 2003 में स्वाइन फ्लू फैला था। इट इज फियर दैट द वायरस विल बिकम ट्रांसमिसिबल फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये अब जो ड्रग्स हम यूज कर रहे हैं वो M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स है, ये दोनों ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एमेंटाडीन जो है ये CNS को क्रॉस करती है और वहां पर अफेक्ट कर सकती है, रिमेंटाडीन, ये दोनों एक ही M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स हैं। न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स ये दो ड्रग्स हैं, ओसिटामिवीर और ज़ेनामिवीर, ये दोनों ड्रग्स हैं। एमेंटाडीन जो ये आयन चैनल M2 आयन चैनल ब्लॉकर है, और रिमेंटाडीन ब्लॉक द M2 आयन चैनल ऑफ द वायरस पार्टिकल एंड इनहिबिट्स अनकोटिंग ऑफ द वायरल आरएनए, जो वायरस आराम से अनकोटिंग कर रहा था अपनी, उसको ये इनहिबिट करेगी, उसकी रेप्लिकेशन को अफेक्ट करेगी। इन्फ्लुएंजा इसकी एक्टिविटी क्या है कि इन्फ्लुएंजा ए वायरस पर अफेक्ट करती है। रिमेंटाडीन इज 4 to 10 टाइम्स मोर एक्टिव देन एमेंटाडीन इन विट्रो। एडवर्स अफेक्ट GI डिस्टर्बेंसेज, नर्वसनेस, और जब CNS पर अफेक्ट होगा तो इंसोमिया वगैरह करेगी। द मार्ड इंक्रीज इन द प्रेवेलेंस ऑफ रेजिस्टेंस टू बोथ एजेंट्स इन क्लिनिकल आइसोलेट्स ओवर द लास्ट डिकेज इन इन्फ्लुएंजा ए H1N1 एज वेल एज H3N2 हैज लिमिटेड द यूजफुलनेस ऑफ दीज एजेंट्स। ये जो दो स्ट्रेन्स थे H1N1 और H3N2, इन दोनों ने ना इसके अगेंस्ट इन ड्रग्स के रेजिस्ट हो चुके हैं, ये इनकी ड्रग्स का इफेक्ट नहीं हो रहा इन पर, तो इसीलिए ये जो ड्रग्स हैं लिमिटेड अब इनका यूज रह गया। ओसिटामिवीर एंड ज़ेनामिवीर न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स केमिकली रिलेटेड, बोथ हैव डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरफेयर विद रिलीज ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड टू न्यू होस्ट सेल्स। एक जो सेल इन्फेक्ट कर दिया उससे निकलने को ये इनहिबिट करते हैं। कम्पिटेटिवली एंड रिवर्सिबली इंटरेक्ट विद द एक्टिव इंजाइम साइट टू इनहिबिट। न्यूरोअमाइनिडेज जो इंजाइम था वो कर रहा था, कॉपीज बना के बाहर निकालता है, बडिंग करता है, तो बस ये उसको इनहिबिट कर देते हैं। बोथ इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी वायरस को ये अफेक्ट करेंगी ड्रग्स। अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन कोशिश करनी चाहिए, वायरल इन्फेक्शन जब शुरू है फौरन जो है उसको एडमिनिस्टर किया जाए, क्योंकि 24 to 72 hours में ये इन्फ्लुएंजा वायरस पीक पर जाता है आफ्टर द ऑनसेट ऑफ डिजीज इलनेस। ओसिटामिवीर इज FDA अप्रूव फॉर पेशेंट्स, 1 year के पेशेंट को भी दी जा सकती है, और ज़ेनामिवीर जो है ये 7 year पेशेंट को दी जाती है। ये
औसिता मीवीर, अब ये मुझे नहीं पता कि एल इसमें कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ साइलेंट रखते हैं. एडमिनिस्टर्ड ओरली प्रो ड्रग दैट इज एक्टिवेटेड बाय हेपेटिक एस्ट्रेज एंजाइम्स के थ्रू, ये लिवर एंजाइम के थ्रू ये ड्रग जो है एक्टिवेट हो जाती है. डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द बॉडी होगी और ये वो सारे इफेक्ट इसके जो बाकी ड्रग्स के थे वो ये नोजिया वॉमिटिंग डायरिया जी आई टी डिस्टर्बेंसेस. रेट ऑफ रेजिस्टेंस टू ओसिटामिडीन अमंग एच आई वी एन आई एच सॉरी एच वन एन वन वायरसेस हैव रिजन एब्रप्टली. ये वही बात कह रहा है कि म्यूटेशन क्योंकि वो कर लेते हैं तो इसलिए सारी ड्रग्स जो है वो रिजिस्ट कर पाते हैं, जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं फौरन जब ड्रग उन तक आती है तो वो रिजिस्ट कर चुके होते हैं. Zena may be administered by inhalation. 10-20% of the active compound reaches the lungs and the remainder is deposited in the oropharynx. Adverse effect is ki wahi cough, bronchospasm, reversible diseases in pulmonary function and transient and nasal and throat discomfort. ठीक है, ये adverse effects हैं cough वगैरह, bronchospasm, cough airways की जो है वो constriction कर देता है ये. बस ये है कि जब रेजिस्टेंस ये आपकी स्लाइड है, ये है कि जब आप कोई ड्रग दें तो आप जहन में रखें कि वायरस जो है वो इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर सकता है. रेजिस्टेंस टू एनी एंटीवायरल ड्रग मस्ट बी एंटीसिपेटेड. वायरस रेप्लिकेट सो इफेक्टिवली हैव मॉडरेट टू हाई म्यूटेशन फ्रीक्वेंसीज. ठीक है, वो म्यूटेट बहुत जल्दी कर जाता है वायरस और जो वायरस रेप्लिकेट बहुत जल्दी करता है, उसकी कॉपीज बहुत जल्दी बढ़ जाती है. इसके साथ खत्म हो गया. अच्छा, पिछली दफा एक स्टूडेंट ने पूछा था कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की कोई वैक्सीन हो तो उसकी वैक्सीन पर काम हो रहा है, क्योंकि मैंने सुना नहीं था नाम इसका और मैंने जब सर्च किया तो उसका काम हो रहा है लेकिन ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है. गूगल पर आप सर्च करें तो दिखाते हैं कि काम हो रहा है, इस वैक्सीन बन रही है इसके अगेंस्ट, लेकिन जो लिविंसन बुक है आपकी माइक्रोबायोलॉजी की उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसी एंटीवायरल अभी तक ड्रग नहीं आई. बस वो आस्ते आस्ते उसके लिए वो देते हैं, ए साइक्लोवीर देते हैं लोकली जहाँ जहाँ वो बन जाते हैं, हाँ वो वहाँ पर टॉपिकली अप्लाई कर देते हैं. और अगर वो दूसरा वो ज्यादा होता है, जो दूसरा होता है ना जो उसकी भी तो दो टाइप्स है ना, वन और टू. हाँ, टू वाला जो है वो जी है क्योंकि वो उसमें वो ज्यादा होता है जो वन होता है, लेकिन इसका मसला वही है कि बार बार हो जाता है. प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर आप इसको पहले ही देना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो जब सीजनल आता है आपको पता है सीजनल होता है, ये कोल्ड कोर्स सोर्स करता है, कोल्ड में आता है तो वो फिर पहले दे सकते हैं. स्ट्रेस वगैरह जो होती है उसमें ये ज्यादा होता है. और ये जो है अभी आप पर ये सारी खत्म हो गया, एंटीवायरल ड्रग्स जो है वो खत्म हो गई. अब आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक वो है एंटीबायोटिक. अब उसमें काफी ड्रग्स थी क्योंकि वो ग्रुप्स हैं. ठीक है, क्या टीबी पर यूज हो रही है ड्रग, क्या जो है जैसे ये मिक्स के बाद, लेकिन वो याद रखें कि वो इम्पोर्टेंट है तो आप कोशिश करें कि जिस दिन पढ़ाएं उस दिन पढ़ना, क्योंकि रट्टा ही है वो. अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स वगैरह इनके नाम सुने हैं, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जो ड्रग्स होते हैं ना इनके ग्रुप्स है ना, ये सारे जो हैं उसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं. हाँ, ये इंग्लिश के अंदर किसमें पढ़े थे, मेडिसिन में, मैट्रिक में, मैट्रिक स्टूडेंट्स कोई चीज आपको कोई पूछना हो. मैम आज आपको असाइनमेंट मैंने दी थी, आप केबिन में नहीं थी, मैं केबिन पे रख गया था तो वो मिल गया आपको. ये समझ आई आपको क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आ रही आपकी. मैं असाइनमेंट दी थी, मैंने असाइनमेंट दी थी, आप केबिन में नहीं थे, मैं केबिन पे रख गया था असाइनमेंट. असाइनमेंट आपकी ये वाली, क्या आपकी असाइनमेंट है इसमें मैंने जो है नंबर तो दे दिए सबको, लेकिन जो है ये ख्याल रखिएगा मेरे क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो फिर आप, ज्यादातर लोगों का इसी में मसला बना है इसी क्वेश्चन में. कुछ लोग हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया और उन्होंने सुन के अटेम्प्ट किया तो उन्होंने लिखी हुई है दोनों रीजन. ठीक है, ये वाली के जो स्विच क्यों करा है उसको डॉक्टर ने
तो दो रीजन यही थी कि इंसुलिन जो इंजेक्टेबल होती है प्लेसेंटा पास नहीं कर सकती, तो बेबी फीटस जो होता है उसको अफेक्ट नहीं करती और मदर को ज्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है इंसुलिन की। कोई और क्वेश्चन है आप लोगों के? आप लोग के कितने दिन चलेंगे मिड्रोस मिड है? यस मैम मिड तो होने हैं। मैम एक पता नहीं क्या किया था, जैसे हम लोग का एक मिड होगा कैंसिल कर दिया हम लोगों ने। अच्छा आप हाँ क्या कह रहे हैं? छुट्टी होती है आपकी? अभी डेट शीट नहीं आई, उससे पहले पहले खत्म। और लेक्चर इसी तरह होते रहते हैं? देखिए ना आपका जब बिल होगा ना तो आपके टाइम पे हो जाएगा, उससे पहले के जो टाइम होगा वो मैं कर लेंगे। और फाइनेंस भी इसी तरह होते हैं, कोर्स तो खत्म हो चुका है। मेरी कोशिश ये होती है कि अगर चले आप लोग का एटलीस्ट ये ना कि अगस्त से पहले पहले खत्म हो जाए कोर्स, ताकि थोड़ा सा आपको अब वही एक तो एंटी प्रोसेस। लेक्चर टोटल कितने हैं जो हमारा, कितने टोटल लेक्चर हैं हमारे? अभी आपका एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स रह गया है, जो प्रोटोजोअल उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया की, जो है क्लोरोक्वीन वगैरह जो क्विनिन देते हैं। उसके अलावा जो है वो यही जो ड्रग्स ये मैं बता रही हूँ। आप लोग इतने लेक्चर्स नहीं है, जो पिछला बैच है ना उसके एक दो तो पहले मिस हो चुके हैं और दूसरा उनके ज्यादा लेक्चर्स हैं। आपके कितने हो चुके हैं? 20 लेक्चर्स उन्होंने मुझे दिए थे, 10 तो आपके ट्रांसप्लांट वो इम्यूनो सप्रेसेंट्स पर हो गया, फिर 11 जो है वो ओरल हाइप वो था ओरल फंगल ड्रग्स एंटी फंगल ड्रग्स, दो ये हो गए, 12-13 मेरे ख्याल में 6-7 मैक्सिमम। वो यही कोशिश है कि आपका जुलाई तक खत्म हो जाए बिफोर ईद, तो बहुत ताकि क्योंकि इसको पढ़ने में आपको टाइम मिले। कोई स्टूडेंट उसके बाद आकर किसी तरह का कोई टेस्ट देना चाहे, कोई टॉपिक समझना चाहे, कोई प्रेजेंटेशन, अच्छा जो टाइम मिलेगा। अब मैं चाह रही थी कि प्रेजेंटेशन तो अब आपका क्योंकि मिड आ गया है, ठीक है प्रेजेंटेशन से टॉपिक मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आफ्टर द मिड आप लोग कोशिश करें कि फिर ऑन फेस टू फेस ज्यादा मुझे रहेगा, ताकि आप लोग की रेपिटेशन हो, ठीक है जो टॉपिक्स मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लगेंगे एग्जाम के उनकी रेपिटेशन हो जाए। हाँ ऑन कैंपस भी आ जाए, ताकि मैं तो पढ़ा चुकी हूँ कि फिर जो टाइम फारी रह जाएगा उसके अंदर वही जो ग्रुप्स बने हुए हैं 10-12 ग्रुप्स को अपनी अपनी प्रेजेंटेशन दें, ताकि कुछ सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आए और क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लें एक दफा, ठीक है। वो सब जरूरी नहीं होता कि मुझे सब कुछ आ रहा है या आप लोग को आ रहा है, वो सब बंदा नॉलेज उसका तभी बढ़ता है। मैं जब यहाँ नई चीज आती तो मैं सर्च आउट कर लेती हूँ, अच्छा ये चीज है ये पूछा है, वो अच्छा रहता है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि फिर ये बात नहीं कि हम क्वेश्चन पूछ लेंगे तो दूसरा का एम्बेरसमेंट हो जाएगी क्लास में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई क्वेश्चन किसी किस्म का किसी को पूछना हो? एम्बेरसमेंट तो कभी भी नहीं हम लोगों को, कुछ समझ नहीं आ रही। आप क्या कह रहे हो मुझे ऐसा ऐसा बताओ। नहीं मैम मैंने दिया तो आप अगर आए हुए थे असाइनमेंट लेकर तो आप आ जाते दोबारा लेक्चर लेने। मुझे लगता है फेस टू फेस थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट ज्यादा सुन देता है, थोड़ा समझ शायद ज्यादा आ जाती है। यस मैम कौन सा रूम में क्लास हो रही है? लेक्चर होता है ऑनलाइन, वो लेक्चर हम लोगों को वहां पे नहीं लिया जाता, वो हम लोगों को हॉस्टल आके लेना पड़ता है, तो फिर इसलिए फिर अचानक से दोबारा यूनिवर्सिटी नहीं आया जाता। आप मैसेज करके पूछ लें क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आती, वो मुश्किल बहुत है। मैं हालांकि फैंस वगैरह ऑफ कर देती हूँ लेकिन माइक की वजह से। चलो ठीक है, इसके साथ आपने कोई चीज पूछनी हो कोई भी आपका टॉपिक जो रहता हो आखिर में, मेरी कोशिश है कि जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक लगेंगे वो रिवाइज कर लेंगे, ताकि फार्माकोलॉजी में कम अज कम आप लोग पढ़े पास, फिर इंशाल्लाह आप लोग कूदोगे। धक्के से पास होना और धक्के से कोशिश करना बहुत वो फिर होता है। नहीं आप इंशाल्लाह कोशिश करें सब पास है, अगर नहीं कोशिश करेंगे तो कोई नहीं पास होगा। कोशिश करें पास हो जाए पहली अटेम्प्ट में, फिर आप लोग की क्या होता है सप्ली होती है बस, अगर फेल हो गए अगर फाइनल तो फिर कोर्स बिल्ड
वो पूरा सेमेस्टर सिर्फ उसका, तो उसकी आपकी फीस उस सिर्फ सेमेस्टर कितनी फीस होती है उस सेमेस्टर? हाँ, तो बस कोशिश करें कि आप पहले उसमें पास हो जाए। अगर आपको फार्मा मुश्किल लगती है, नहीं ये आप पर भी डिपेंड करता है, आप पढ़ेंगे नहीं खाली मुझे दे देंगे तो मैं क्या उसमें पास करूँगा। अच्छा कि मैं तो खुले नंबर भी दे देती हूँ, लेकिन मुझे इतना होता है कि भाई स्टूडेंट ने एफर्ट किया है तो थोड़ी सी और एफर्ट करें वो। अब भी माँ बाप का जरा ख्याल रखें और फिर कोशिश करेंगे पहली टाइम में सब इंशाल्लाह पास हो जाए। ठीक है, चलें जी, थैंक यू सो मच। मुझे वो जो सर थे उनका थोड़ा वो है ना कि जो उनकी जो है ना कॉलेज में जो मुश्किल है,